तो आज का हमारा एक चैप्टर कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमारा है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ नंबर सिस्टम से जो संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो कहां कहां क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको जानना है कि हम नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9th और 10th में तो है ही, बोर्ड एग्जाम में तो नंबर सिस्टम आते ही आते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं वो आते हैं। तो बेसिक आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। नंबर सिस्टम मनुष्य अपनी व्यापारिक अथवा वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए जिस संख्या पद्धति का उपयोग करता है वह नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम में आपका चार चीजें हैं। सबसे पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2, जिसे हम लोग 0 और 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है, जिसे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक डिनोट करते हैं। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस 8 होता है, जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक डिनोट करते हैं। और चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है 16। ध्यान दीजिएगा कि नंबर सिस्टम में संख्याएं जो होती है हमारी वो होती है 0 to 9, लेकिन हेक्साडेसिमल का जब बेस 16 है तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 आपके बच्चे कह रहे 15 तक, नहीं गलत है, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट तो हमारी 0 to 9 ही होती है। उसके बाद कुछ अल्फाबेट होते हैं A, B, C, D, E और F। ये तो आपके लेटर्स हैं A to F और ये 0 to 9, ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं अल्फा न्यूमेरिक। इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ये छोटा सा मैंने चार्ट आपको बनाया है, इस चार्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ही बता देता हूं, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रणाली का आधार कितना होता है। बैंक में भी क्वेश्चन पूछते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं या रेलवे के एग्जाम में, तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 01, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 0 to 9, ऑक्टल 8 यानी बेस 8 0 to 7। अब आप सोच रहे हो ऑक्टल 8 है तो 8 क्यों नहीं लिया 0 to 8। मैं आपको बता दूं, यहां डाउट आपका क्लियर कर दूं, 0 से स्टार्ट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 0 से 7 तक है ये पूरे टोटल 8 डिजिट है, और हेक्साडेसिमल का 0 टू 9 और A टू F। हम इसको 9 के बाद 10, 11, 12 ये सब नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रहे कि हमने 16 कर दिया तो 0 से 15 आपने लिख दिया, नहीं, इसलिए मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। तो आप इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट करें इसको। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी लेना होगा तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9026106737 पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस वीडियो में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि इसके बारे में और आइए आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके टॉपिक में भी है, 9th के बुक में है, 8th के बुक में है, 10th की बुक में, कंप्यूटर में है, चैप्टर ही है पूरा नंबर सिस्टम, और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए यूजफुल है जो अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं सही से समझे नहीं है। नोट कर लिया आपने? अच्छा, बैक लगा, ठीक ठीक आप नोट करिए, बिल्कुल
बिल्कुल पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी राय दी है आपने। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब नंबर सिस्टम, बाडी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन की भाषा। और मशीन की भाषा सिर्फ वो जीरो और वन को समझता है। आपको भी नहीं समझता, हमको भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कभी कभी लोग आपसे कहते हैं ज्यादा हाई लेवल में मत बात करो, यानी कि आपकी आवाज आपको स्पष्ट बताता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो मशीन की लैंग्वेज। और मशीन की लैंग्वेज में आपका कहीं ना कहीं बाइनरी लैंग्वेज आते हैं जो कि जीरो और वन। तो आज हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि हम जो अक्सर भाषा संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं वो दशमलव संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जैसे इकाई दहाई से 10, 20, 40, 50, ये हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आज जो एक बढ़िया आपको क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसका रिजल्ट आउटपुट देंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। या मैंने आपको बताया कि बाइनरी संख्या कौन सी है जिसमें जीरो और एक हो, उसके बाद कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि सर ने लिखा है 11001, देखो ध्यान से, यही लग रहा है ना आपको? नहीं, ये गलत है। ऐसा कभी आप सोचिएगा कि नहीं कि अगर आपके मोबाइल में ऐसे आ गया, कोई मैसेज आ गया, यू हैव बीन सक्सेसफुली रिचार्ज फ्रॉम इतना, तो आप इतने खुशी मत होइएगा कि लग रहा है कि कहीं शॉप जो दुकानदार से मैंने रिचार्ज करवाया वो भूल गया और इतने का मैसेज आ गया। ये कंप्यूटर की डिफॉल्ट हो सकती है। तो इसलिए आपको ये जानना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, जीरो और वन के फॉर्म में। यहाँ आपका टू और थ्री और फोर नहीं लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो और वन जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। मैंने कोई भी एक संख्या ले लिया आपसे यहाँ से बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए जीरो और वन के रूप में, इस संख्या को मैं यहाँ बेस टू लगा दिया। अब बेस टू लगने से ये क्लियर हो गया कि ये कौन सी संख्या प्रणाली है। हाँ, गुड, बाइनरी नंबर सिस्टम है ये। इसको हम लोग कन्वर्ट किसमें करेंगे? ये क्या है? वेरी गुड, तो देखते समझ गए। गुड, इसका मतलब कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बेस टू लगाया हमने, मैंने अभी आपको यहां बताया था कि बेस टू बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस टेन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाइनरी से क्या ज्ञात करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी से डेसिमल ज्ञात करने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि बाइनरी संख्या में हम जितने का बेस है उससे हम गुणा करेंगे। बेस कितना है उससे गुणा करेंगे, और इस दी गई संख्या पर हम दाहिनी ओर से और बाईं ओर की तरफ, मींस दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ हम घात लगाना शुरू करेंगे, एक एक घात बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप दो से तीन नंबर का जो क्वेश्चन कभी कभी बैंक में या रेलवे में पूछ लेता है, चार नंबर के भी क्वेश्चन पूछते हैं यूपीटीयू, यूपीटीयू में अक्सर बाइनरी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाते हैं कंप्यूटर टॉपिक से। क्योंकि आप सोचोगे हमने तो मैथ या बायो से कोर्स इंटरमीडिएट किया है तो ये क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि हम बाइनरी संख्या से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बाइनरी संख्या को यहां पर नोट कर लेंगे, 11001, यही है ना। मैंने आपको बताया कि इस पर दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ एक घात चढ़ा देते हैं, देखिएगा 0 1 2 3 4 5, 5 यहां तो रहेगा नहीं। हाँ, जो आप ध्यान से देख रहे हैं ये तो क्लियर है, क्योंकि संख्या हमारी यहां से शुरू हुई है। हमने आपको पहले बताया जो भी संख्या उठाएंगे वो जीरो से घात चढ़ाते हुए लाएंगे,
तो 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में घात यहाँ चढ़ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे जरूर कॉल करके पूछेगा। सबसे पहले आप इस संख्या को यहाँ पर उठा लेते हैं 1। अब आप सोचोगे ये 1 कहाँ से आया, मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ। इस संख्या को हमने यहाँ से ऐसे उठा लिया, ये 1 यहाँ आ गया। मैंने कहा था 2 से गुणा करेंगे इनटू 2, लिख दिया 2। ऊपर क्या है घात, इस घात को हम यहाँ पर लगा देंगे। पहले आप यही समझ लीजिएगा, अगर आपको यहाँ समझ में आ जाएगा तब हम अगला स्टेप का मल्टीप्लाई करेंगे। आप सोच रहे हो ये कहां से 2 आया, कहां से 4 आ गया, समझ में नहीं आया। देखिएगा मैंने ये संख्या उतार दिया यहां से, अब आपको दिखेगा ये संख्या मैंने यहां ले लिया इनटू। मैंने आपको फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी बाइनरी संख्या से डेसिमल संख्या में हम उसको बदलेंगे तो बाइनरी संख्या की जो बेस है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बेस कितना है 2, और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। ये जो 4 आया ये इसका जो हमने घात हमने क्या, ये तो आपने चढ़ाया है, अगर आपको पता हो गया होगा कि ये कैसे चढ़ा 0, 1, 2, 3, 4 इस नंबर पर हमने ऊपर 0 से दाईं ओर से बाईं ओर लाना शुरू किया। ये 4 अभी क्लियर हो गया ना, फिर से देखिए 1 × 2 ये 4 प्लस, क्लियर है आगे प्रोसेस कर रहे हैं, प्लस अब ये 1 लिए। अब क्या करें, शाबाश अब तो एकदम समझ गए 2 के पावर कितना, शाबाश सही है ना अभी आपका 1 × 2 के पावर 3। कुछ लोग को ये दिमाग में अभी भी डाउट होगा कि 2 के पावर फिर 3 कैसे, कहां से आ गया यहां 4 था, तो यहां देखो 1 × 2 के पावर 4 प्लस 1 ये ले लिए इनटू 2 लिखा बेस है, मल्टीप्लाई किया 2, ऊपर जो बेस हमने लगाया 3, ये वाला ठीक है प्लस। अब तो आप समझ गए, वेरी गुड, क्या आएगा गुड 0 × 2 के पावर 2। अभी भी अगर डाउट है तो मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूं, ये 0 कहां से आया, देखिए कि 0 को हमने यहां से उठा लिया, 2 लिखा इनटू, ये 2 कहां से आया, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको ठीक है, प्लस 0 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर, अब यहां 2 तो यहां 0 लिखा है, क्या होगा 0 लिखेंगे ठीक है, ये यहां पर ऐसे हमने लिखा है। अभी आप देख लो एक बार, समझ लो कैसे कैसे हमने किया 1 × 2 के पावर 3, 0 × 2 के पावर 2, 0 × 2 के पावर 1 और ये 1 लिखा यहां इनटू 2 के पावर 0 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 1 × 2 के पावर 4 कितना होगा, रॉन्ग, कुछ बच्चे 8 सोच रहे होंगे, तो 2 के पावर 8 यानी 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8, नहीं ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूं 2 के पावर 4 का मान कितना आता है, 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, देखिएगा 2 × 2 × 2 × 2, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 2 = 8, नहीं अभी भी गलत है, 2 के पावर 4 का मतलब 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8 × 16, यहां कितना आएगा 1 × 16। अगर क्लियर है तो आगे बढ़े वीडियो को, थोड़ा सा और तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं हम लोग, क्लियर है ठीक गुड, प्लस 1 × 2 के पावर 3, अब 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये लो अभी क्लियर समझ में आ रहा है यहां क्यों 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 × 4 = 8, यानी कि 1 × 8 प्लस 0 × 2 = 4 प्लस 0 × 2 के पावर 1 का मतलब 2 और प्लस 1 × 2 के पावर 0। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है 2 के पावर 0 में कितना क्या आएगा,
इसमें तो कोई डिजिट ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ये हमेशा काम आएगा। कभी भी 2 के पावर 0, 10 to power 0, 8 to power 0 या 16 to power 0, सब का वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1। अब ऐसे नहीं कि सबका 2 के पावर 0 कहीं लिखा है तो उसका मान कितना आएगा? 1। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कितना जाएगा? 1 into 1। क्लियर है? गुड। इज इक्वल टू 1 into, इसको तो हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 16 plus 1 into 8 means 8 plus 0 into 4, कितना हुआ? 4 कैसे होगा? 0 into 4 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी? 0। गुड। प्लस 0 into 2, 2 नहीं 0, प्लस 1 into 1। फिर से आप इसको एक बार देखिएगा, 1 into 2 के पावर 4 प्लस 1 into 2 के पावर 2 के पावर 3 प्लस 0 into 2 के पावर 2 प्लस 0 into 2 के पावर 1 प्लस 0 into 1 into 2 के पावर 0। इसको फैक्टर को हमने इसको सॉल्व किया, 1 into 16, 1 into 8 प्लस 0 into 4, 0 into 2 प्लस 1 into 1, 16, 8, 0, 0 और 1। अभी टोटल कितना आ गया? 25। और ये क्या आया? डेसिमल 10 है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपने कितना लिखा था? अगर आपको भूल गए हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, और बैक करने के बाद देखिए मैंने क्वेश्चन क्या दिया था। यहाँ पर बेस 2 था, क्वेश्चन में यहाँ पर बेस 10, यानी कि ये क्या निकला है? डेसिमल। नोट करिए आप इसको जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट करिए। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग आप लगा रहे हैं। तो टॉपिक को थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को पुट करते हैं। ये जो आया ये क्या था? बाइनरी संख्या। क्या कन्वर्ट करने में क्या मिला? डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हमारा 2 और 5 जो लिखा है, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है। हम जो अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये इतने के बराबर है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमने क्या किया? बाइनरी टू डेसिमल। तो अब क्या करना पड़ेगा? डेसिमल टू बाइनरी। अगर आप इसको नोट कर लिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो हमको ये आउटपुट मिला हम इसको उठा करके यहां ले आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे? हम इसको चेक करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, हम इसको चेक करेंगे कि ये जो हमने बाइनरी संख्या से डेसिमल निकाला है 25, क्या ये फिर हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो क्या ये इतने के बराबर आता है? यानी कि क्या हो गया? फिर डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी में। ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2। इट मींस डेसिमल, ये क्या है? डेसिमल। 25 जो लिखा है 25 है, डेसिमल संख्या प्रणाली है, बेस 10 लिखा है, और लाना कितने में है? बेस 2। बेस 2 मतलब बाइनरी। ये मैं आपको फिर यहां इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं, ये डेसिमल और ये बाइनरी क्या करना है, यानी कि अब हमको क्या क्या करना है? डेसिमल संख्या से बाइनरी क्या करना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलना था तो आपने क्या किया था? अभी भूल गए, फिर से वीडियो पॉज करके देखो, बैक करो पीछे। बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था। गुड। तो अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है। ये लीजिए, डिवाइड करने, कुछ लोगों के दिमाग में आया डिवाइड करना है बहुत इजी है, 25 से 2 का भाग दे देंगे, ऐसे वाला तरीका सोच रहे हैं। ऐसे 25 से 2 और निकाला है सर आउटपुट आ गया 12.5। नहीं, ये मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, यहां पर आपको अलग मेथड से करना है। इसीलिए मैं बता दिया ये रॉन्ग वाला ऑप्शन था, सही वाला ऑप्शन देखिएगा। यहां हमने लिखा 25, मैंने आपको बताया कितने से डिवाइड करना है? 2 से। अब जब हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 2 से डिवाइड करने के लिए अभी मैंने ये वाला जो ऑप्शन आपने किया था ये रॉन्ग मेथड था,
यहाँ आपको क्या करना है, आप बहुत सिंपल मेथड में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे 2 1 2 और हल्का सा लिख रहा हूँ 2 1 2 और 2 2 4 और रिमाइंडर 1। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 यहाँ क्यों लिखे, 1 हम यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ इसलिए हमने इसको लिखा है कि आपकी सुविधा के लिए, आपको जानकारी के लिए। फिर से देखिएगा, और दूसरा मेथड है कि आप 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना हो, 2 4 8 2 12 24। देखिएगा 2 1 2 और 2 2 4 रिमाइंडर यहां मैं लिख दे रहा हूं इसलिए कि आपकी जानकारी के लिए मैंने रिमाइंडर ऊपर की तरफ लिखा है। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, फिर से देखिएगा, आप देखो 12 आता है, 12 2 24 और 24 और 1 कितना हुआ 25, 24 और 1 कितना आया 25। इस एरो को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, 12 2 24 और 1 25, वेरी गुड। इसी प्रकार अब हमें करना है जितने भी डिवाइड देने हैं सब 2 से देने हैं, याद रहे। फिर मैं 2 से डिवाइड करना हूं, 2 6 12, रिमाइंडर कुछ बचा, अगर बचा है तो यहां लिखो 10, कुछ हो तो कुछ तो बचा नहीं, क्या लिखेंगे 0 लिख सकते हैं या नहीं, गुड लिख सकते हैं ना, ठीक। फिर 2 3 यहां 0। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है यार 3 है तो हमने मैथ की भाषा में पढ़ा है कि अगर कोई संख्या बचता है तो उसको हम इस प्रकार अगर हम 3 लिख देंगे तो यहां 1 यहां 0 आ जाएगा, ये भी आपका फिर गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किस संख्या से आपको डिवाइड करना, समझ आ गया ना, अगर आप 3 से कर दिए मैथ से प्रॉब्लम से लेकर के चलेंगे तो गलत हो जाएगा। से ही डिवाइड देना है और यहां पर रिमाइंडर 0 था, यहां 2 1 2, ये मैं यहां 1 इसलिए लिख रहा हूं, एक मिनट, इतना था। यहां पर 3 से नहीं करना है, कितने से करना है 2 से करना है, और जब हम 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 और रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर से एक बार देखिएगा, बहुत शॉर्ट में देखिएगा, 12 2 24 1 25, 2 6 12 कुछ नहीं बचा, 2 3 6 2 1 2 और 1 3 means 2 1 2 and 1 3, क्लियर है, क्लियर है ना, इस मेथड से हम करेंगे। अब ध्यान रहे कि जितने रिमाइंडर के डिजिट मिले हैं हम इस डिजिट को यहाँ लिख सकते थे लेकिन शुरुआत हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है इसलिए इसको हम यही रहने दे रहे हैं, कोई इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी 0 और 1 के फॉर्म में नंबर आए हैं उसको हम उठा लेंगे, मतलब उठाने का मतलब ये नहीं कि उठा ही लाएंगे, यहाँ हम कहीं नोट कर देंगे, कुछ लोगों के दिमाग में पूरा बात चले जाएगा कैसे उठा लाएंगे। ये देखिएगा इस संख्या को यहाँ से जो ये 0 और 1 का ये फॉर्म है इसको हम लोग पूरा कहीं नोट कर लेंगे, देखिएगा नोट कर ले बहुत ध्यान से, सबसे पहले क्या है 1, फिर 1, फिर 0 0 1, कुछ लोग कह रहे कैसे आया, फिर से देख लो, कह रहे बेमानी कर लिए, नहीं बेमानी नहीं है, ये आपने किया मैंने नहीं किया, ये तो आप बता रहे थे मैं उसको सॉल्व करता जा रहा था। 12 2 14 1 रिमाइंडर, 12 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 एंड 1 रिमाइंडर 3, बस इसी को हमने नोट कर दिया। ध्यान से देखिएगा 1 1 0 0 1, ये हमने नोट किया 1 1 0 0 1। अब ये क्या निकला, 2 आया है, और 2 क्या है, 2 क्या है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम ज्ञात हुआ। तो अभी आप ये कह सकते हो कि LHS is equal to RHS, जो आपका लेफ्ट साइड आया वो आपने उसको सॉल्व कर लिया। मैं इसको रोके हुए हूं, वीडियो को आप देखिए और ध्यान से समझिएगा, अगर आपको मैं फिर बोल रहा हूं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे दोबारा कॉल बैक करके पूछ सकते हैं। आपको आउटपुट क्या मिला, जितना आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उतना आपको आउटपुट मिल गया,
नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज। वेरी गुड, नोट कर लिया आपने। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं केवल आपको यहाँ दिखाऊंगा इस चीज को कि आपसे जब क्वेश्चन कहा गया था कि इसको निकालने के बाद ये निकालिए डेसिमल टू बाइनरी। अब आप देखिए, आपने सबसे पहले स्टेप क्या किया था, बाइनरी लिखा। बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है, 2, जिसे हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं। इस बाइनरी संख्या से हमने आपको डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आपको बताया। बाइनरी संख्या में कोई भी संख्या है 0 और 1 के रूप में हमने लिखा, उसको हमने आपको कन्वर्ट करने का स्टेप बताया था कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उस दिए गए संख्या पर ऊपर हम दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ घात लगाते हैं, उसको भी उसमें जो मल्टीप्लाई जिससे करते हैं वो घात उस पर चढ़ा करके उसको सॉल्व करते हैं। जो आपका डेसिमल संख्या है वो आया 25 आया है। उस डेसिमल संख्या को हमने फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक किया कि ये दिया गया संख्या सही है या नहीं सही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर से डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसी 2 से डिवाइड किया। बाइनरी से डेसिमल करने के लिए मल्टीप्लाई और डेसिमल से बाइनरी करने के लिए डिवाइड का प्रयोग किया, और डिवाइड की मदद से हम जब किए तो हमको ये आउटपुट मिला। अर्थात जो हमारा आउटपुट यहां है कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल हुआ और डेसिमल को हमने सॉल्व किया तो बाइनरी में फिर आ गया। इट मींस हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 100% सही है। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के शुरुआत में भी कि ये कहीं ना कहीं आपके इंटर हाई स्कूल में तो रहते रहते इंटर में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट में रहते हैं, साथ ही साथ बीएससी ग्रेजुएशन आपका एमसीए बीसीए में बेसिक चैप्टर ये रहते हैं कि ये सभी बुक्स में आपको कंप्यूटर की बुक्स में सभी जगह मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि 9th के बच्चे इसको अगर आप सीखेंगे, 8th के बच्चे सीखेंगे, 10th के बच्चे सीखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे उसमें आपको ये बेनिफिट साबित होगा। ये आपको क्वेश्चन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, ऑनलाइन क्लासेस जो आपके चल रही हैं वो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर ही लिया होगा आपने। तो आज का जो टॉपिक हमने केवल आपको बताया है सिर्फ बाइनरी संख्या, और बाइनरी संख्या में हमने आपको डेसिमल संख्या बताया, क्योंकि जो चार्ट हमने आपको शुरुआत में बताया था उसमें यह था कि बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2, 0, 1, डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 10, 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस 16। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ज्यादा जानकारी के लिए यदि आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जो भी नए वीडियो हम अपडेट करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू क्लास। और यदि आपको लगातार नए नए सिलेबस के बारे में नए नए टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप बिना सोचे समझे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।